हाँ तो करो ना फिर आधा नहीं फिर हाँ। अगर देखिए पूरा बखेरा खड़ा किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का हाँ। जब 91 में ये बात आगे हो गई थी सेटल कि 47 के बाद जो जहाँ है वही रहेगा हाँ। रहेगा ना ये बीज बाबरी मस्जिद के समय में ईश्वर ने उनको ज्ञान दिया था, संविधान ने ज्ञान नहीं दिया था हाँ। तो सारा बखेरा सुप्रीम कोर्ट का खड़ा किया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना संघी सरकार है संघियों से और सारे संस्थाओं पे कब्जा है, कोर्ट से लेके विश्वविद्यालय से लेके मीडिया से लेके हर जगह कब्जा है। तो इनसे बचाना है राष्ट्र को, रिपब्लिक को, इनसे बचाना है संविधान को। आरएसएस वाले अंदर कुछ नहीं बाहर विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि संविधान भारतीय मिजाज के हिसाब से नहीं है, लिख रहे थे अम्बेडकर के पुतले जले, अम्बेडकर के खिलाफ लिखे गए। कल्याण प्रेस ने तो खूब खुल के छापा हीन जाति अम्बेडकर, क्यों, क्योंकि इक्वलिटी की बात कर रहे थे। इसको आप हिंदू कहते हैं उसी के लिए मनुस्मृति लिखा गया है, हिंदू महिलाओं के बारे में लिखा गया है, जो पिछड़े हैं शूद्र अतिशूद्र हैं उसके बारे में लिखा गया है। तो क्या लिखा गया उसमें कि आप जो है इतना बढ़िया जैकेट और जींस पहन के घूमेंगी। समस्या आरएसएस हिंदू महासभा संघ परिवार को समस्या अंबेडकर से थी, क्योंकि अंबेडकर बात कर रहे थे इक्वलिटी की, समानता की, बंधुता की, स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। तो समस्या इसलिए थी इसलिए कि उनका फिलॉसफी आता है कहाँ से, मनुस्मृति से आता है। अब मनुस्मृति में आप कहाँ हैं अपना भी जगह तलाश कर लीजिए, आप महिला हैं ना जी। तो मनुस्मृति किसके बारे में लिखा हुआ है, वो कोई मुसलमान के बारे में लिखा है, कोई ईसाई के बारे में लिखा है, किसके बारे में लिखा है मनुस्मृति? हिंदुओं के, जिसको आप हिंदू कहते हैं, हिंदू तो बहुत मॉडर्न टर्म है, जिसको आप हिंदू कहते हैं उसी के लिए मनुस्मृति लिखा गया है, हिंदू महिलाओं के बारे में लिखा गया है, जो पिछड़े हैं शूद्र अतिशूद्र हैं उसके बारे में लिखा गया है। तो क्या लिखा गया उसमें कि आप जो है इतना बढ़िया जैकेट और जींस पहन के घूमेंगी, ये लिखा है उसमें हाँ। कि आपको मुंह पे ताला बंद करके घर में रहना है, जब आप बच्ची रहेंगे तो पिता को मानना है, शादी होगी तो आपको हस्बैंड को मानना है, बुजुर्गियत में बेटा को मानना है, अपना स्वतंत्र कुछ भी नहीं। ये है ना, शूद्र का काम क्या है, वेद से आ रहा जो आइडिया पूरा मनुस्मृति में क्रिस्टलाइज करता है कि शूद्र का काम है तीनों वर्ण की सेवा करना। शूद्र में भी दो तरह के शूद्र बनाए, एक सत शूद्र एक असत शूद्र, एक निर्वासित एक अनिर्वासित, कि जिससे घर का काम लेना है बोला तुम तो बढ़िया शूद्र हो भाई, तू आ जाओ घर में काम करो, और जिसको दूर रखना था बोला असत शूद्र इम्प्योर है। उसके बाहर भी एक है पंचम वर्ण है, गांधी जी जिसको पंचम वर्ण कहते हैं, जिसकी वकालत अम्बेडकर के प्रमुख श्रोता जो है अछूत समुदाय रहे, वो वर्ण व्यवस्था के बाहर है, वर्ण व्यवस्था के बाहर। आजकल तो सबको हिंदू बना रहा है, सब हिंदू हैं, बटोगे तो कटोगे हैं। एक काम करो ना, जो कह रहा है बटोगे कटोगे उसको बोलोगे घर में अपने किचन में अपने डाइनिंग टेबल पे बुलाए और सारे जितने दलित हैं सबको बुलाए, वहाँ खाना खिलाए, अपने से बनाए, अपने से सर्व करे, अपना वॉशरूम यूज करने दे, उनके सोफे पे उनके बच्चे कूदें, अपने घर बुलाओ ना। हिंदू सब एक कहते काम करो, आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाओ, अब बोलो कि सब जो है ना सब लोग आओ यहाँ पर, सब लोग को हम भोज कराते हैं। तो समस्या क्यों सब बात कह रहा हूँ, समस्या थी अंबेडकर से थी, और अंबेडकर का जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, जवाहरलाल नेहरू और संविधान सभा के जितने सदस्य थे, वो लार्जली ये चाहते थे एक मॉडर्न नेशन बनाना, एक इंडियन रिपब्लिक बनाना। उसमें कम्युनिस्ट का थोड़ा डाइवर्स आइडिया था, सोशलिस्ट का अलग आइडिया था, लेकिन आरएसएस वाले अंदर कुछ नहीं बाहर विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि संविधान भारतीय मिजाज के हिसाब से नहीं है, लिख रहे थे अम्बेडकर के पुतले जले, अम्बेडकर के खिलाफ लिखे गए। कल्याण प्रेस ने तो खूब खुल के छापा हीन जाति अम्बेडकर, क्यों, क्योंकि इक्वलिटी की बात कर रहे थे। अब वो जो उस समय विरोध कर रहे थे चुप चुप के अली के, और सब स्लीपर सेल की तरह हर पार्टी में रहता है, आरएसएस आज तक अपना मेंबर डिस्क्लोज क्यों नहीं करता है, मेंबर क्यों नहीं बनाता है, बोला कि सरकारी अधिकारी भी आरएसएस का शाखा में जा सकते हैं, तो जाओ लेकिन सब अपना नाम लिखवाओ। तो जो लोग विरोध कर रहे थे वो आज सत्ता में है, तो संविधान के सारे प्रावधान धीरे 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 संविधान खत्म करने की घोषणा नहीं होगी मैडम। संविधान का जो मूल भावना है, जो प्रावधान है, वो धीरे धीरे उसका पन्ने फाड़ दिया जाएंगे, उसमें जुडिशरी भी मदद कर देता है बीच बीच में। अभी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो है नेशनलाइजेशन नहीं हो सकता है ना, अब आप एक बेंच का पूरा फैसला जिसमें चीफ जस्टिस भी थे, ये क्या है,
आपकी जमीन लेके हम अडानी को दे सकते हैं, लेकिन गरीबों को अगर भूमि बांटना हो तो हम जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकते। ये पूरा आइडिया जो सोशलिस्ट पैटर्न था, जो इंदिरा गांधी ने जमींदारी उन्मूलन ख़त्म किया, या इंदिरा गांधी ने प्री पर्स ख़त्म किया, या बैंक का नेशनल, उसके खिलाफ है ये। उसमें जिस लेवल पे कांग्रेस पार्टी को ही बोलना चाहिए था वो भी नहीं बोल पाई। मैंने आज अगर सुना होगा आपने तो मैंने क्या कहा है कि आप लोगों को जोर से इंदिरा गांधी का नाम याद नहीं आता है? उसने जो इंदिरा गांधी ने जो किए थे काम, वो तो लैंडमार्क है पूरे भारत के इतिहास में। वो पूरा अम्बेडकर का जो आइडिया था, जवाहरलाल नेहरू का जो आइडिया था, उसको जमीन पे उला रही थी। गरीबों को भूमि बांटो, नौकरी दो, फ्री में शिक्षा। आप बताओ, ये रिपब्लिक है, डेमोक्रेसी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिपब्लिक आया ना, और उस पर जो हमला हो रहा है हिंदू राष्ट्रवादियों का, तो रिपब्लिक की जगह क्या बनाना चाह रहा है? बार बार सर हिंसक घटनाएं हो रही हैं, हिंदू मुस्लिम करने के देश में कोशिश की जा रही है, ताज़ा मामला संभल का है। नहीं नहीं, वो तो करेगा ही करेगा। इसमें हम बार बार आप लोग को ये बात कह रहे हैं कि बिल्ली को दे रहे हैं कबूतर की रखवाली। आप आरएसएस बीजेपी से उम्मीद क्यों करते हैं कि नहीं करेगा? उसका यूएसपी यही है। गोलवलकर की किताब जो बंच ऑफ थॉट में क्या लिखा है, उसका पहला शत्रु कौन है? मुसलमान। दूसरा कौन है? ईसाई। तीसरा कौन है? कम्युनिस्ट। लेकिन असली शत्रु जिसको कह रहा समझता है उसके बारे में नहीं बोला कुछ भी। असली शत्रु दलित लोग हैं, कि उनको तो रखना है बंगले में, हिंदू बंगले में रखना है, लेकिन कहाँ रखना है? ड्राइंग रूम में नहीं, स्टाफ क्वार्टर में पीछे। उसके वो असली शत्रु वो है, क्योंकि पढ़ा लिखा लोग वो इसको जवाब दे रहा है, वो मनुस्मृति को नहीं मानता है, वो समानता की बात कर रहा है, संविधान की बात कर रहा है, लिबर्टी की बात कर रहा है, वो है असली शत्रु। इसलिए संविधान अगर ख़त्म होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान दलितों का होना है। ये तो यहाँ है ना मियाँ जी के ढाबे में, तो वहाँ जाके करीम में तो सब पंडित जी भी खा लेते हैं, नहीं जी? अल जवाहिर, करीम, बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट में सब खाते हैं। दलित का रेस्टोरेंट खुलेगा तो कोई जाएगा खाने? जाटव रेस्टोरेंट कहाँ गया? जाटव रेस्टोरेंट में कोई जाएगा खाने? हैं, अल जवाहिर में तो चला जाता है, सब मेरे दोस्त जाते हैं, अपर का जितने दोस्त हैं सब अल करके रख रहे हैं। जो नॉन मुस्लिम है वो भी तो अल करके रख रहे हैं। हाँ। तो मुस्लिम ब्रांड है, वो तो अपना काम कर लेगा, मुर्गी पाल लेगा, अंडा निकाल लेगा, मैकेनिक बन जाएगा, दर्जी बन जाएगा, रेस्टोरेंट चला लेगा। दलित लोग कहाँ जाएगा? इसके पास ना जमींदारी है, ना पैसा है, ना इंडस्ट्री है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक नौकरी है। नौकरी खत्म, खेल खत्म। फिर भी सर बार बार मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशा जा रहा है देश में, क्यों नौकरी पे कोई बात नहीं करेगा, रोजगार पे बात नहीं करेगा? भाई आप लोग जानिए, हम लोग तो रोज ही बात कर रहे हैं। हाँ। भैया ऐसा है ना, अगर तुमको खोदना ही है ना, थोड़ा डीप खोदो, थोड़ा और ज्यादा खोदो, उसके नीचे जो निकलेगा वही दे दो वापस। क्या निकलेगा? बुद्ध विहार, बौद्ध मठ निकलेगा, गारंटी कह रहा हूँ। जितना अयोध्या में जो बना है अभी मंदिर, उसके नीचे से जो निकला है खाली दिखा दे, पब्लिक डिस्प्ले कर दे। हम थोड़ी कहना, काशी प्रसाद जायसवाल तो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि जो रामेश्वर धाम है वो बुद्धिस्ट टेम्पल है, जगन्नाथपुरी बुद्धिस्ट टेम्पल है, तो खोदना ही है था, तभी से खोद लो। तो आप भी खोदने की बात कर रहे हैं? हाँ, तो करो ना फिर, आधा नहीं फिर। अगर देखिए पूरा बखेरा खड़ा किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, जब 91 में ये बात आगे हो गई थी सेटल कि 47 के बाद जो जहाँ है वहीं रहेगा, रहेगा ना ये बीज। बाबरी मस्जिद के समय में ईश्वर ने उनको ज्ञान दिया था, संविधान ने ज्ञान नहीं दिया था। हैं, तो सारा बखेरा सुप्रीम कोर्ट का खड़ा किया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, संघी सरकार है, संघियों से और सारे संस्थाओं पे कब्जा है, कोर्ट से लेके विश्वविद्यालय से लेके मीडिया से लेके हर जगह कब्जा है। तो इनसे बचाना है राष्ट्र को, रिपब्लिक को, इनसे बचाना है संविधान को। जितने सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं आप 5 साल उठाओ, SC ST एक्ट पर, रोस्टर पर, नीट पर, EWS पर, राम मस्जिद, राम जन्म बाबरी मस्जिद पर, जन्मभूमि, भावनाओं से होता है जजमेंट। भावना से जजमेंट होता है, दिल जुड़ा हुआ था उनका, तो उनका जुड़ा हुआ था ना। तो फिर बाहर जाके करते ना, सुप्रीम कोर्ट में बैठ के क्यों किए थे? अब संविधान की शपथ लेके गए थे वहां पर। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इनसे बचाना है इस इंडियन रिपब्लिक को, कॉन्स्टिट्यूशन को, तो हिंदू मुसलमान करेगा ही करेगा। और दूसरी बात, जितने बीजेपी के नेता हैं उनके बच्चे नहीं जा रहे हैं धर्म की रक्षा करने, जा रहे हैं? अमित शाह का बेटा गया था धर्म की रक्षा करने, मंदिर ढूंढने। नड्डा का बेटा गया है ढूंढने, राजनाथ सिंह का बेटा गया है ढूंढने, रविशंकर प्रसाद का बेटा गया है ढूंढने, शिवराज सिंह चौहान का बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं अमेरिका इंग्लैंड में। हिंदू धर्म का ठेकेदारी दे दिया, दलित पिछड़ा सबको दिया हुआ है,
ना तुम अपने बच्चे का स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी देख ले, रोजगार खत्म हो रहा है, कटोरा ले खेत में भीख मांगना पड़ेगा, नहीं पता है? ये मैं खास तौर से दलितों को कह रहा हूँ, और दलित लोग को वैचारिक कुटाई में खूब कर रहा हूँ। एक हुक्मरान बनने का नशा उतारो, पहले पहले जाके स्कूल में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं। बल्कि घटना में तो दलितों का कोई रोल है ही नहीं, वहाँ तो सिर्फ एक ही पक्ष है। नहीं, वो नहीं कह रहा मैं भाई, धर्म की रक्षा में कौन है, प्लीज बताओ मुझे। अब तो ये हालत हो गई है कि पिछली बार एक पंडित जी मरे थे उधर बहराइच में, गोपाल मिश्रा। हाँ, अब तो ये हाल हो गई है कि आरएसएस वालों ने पंडितों को भी दंगा, जो कि शिष्य माने जाते थे, विद्या देने वाला ज्ञानी, अब वो भी दंगा में जा रहा है। ये तो हालत हो गया, दंगा करने वाला भी ब्राह्मण था, मरने वाला भी ब्राह्मण था, तो अब तो ब्राह्मण भी दंगा ही हो रहा है मैडम। अब तो ज्ञानी पुरुष था ना, तब दंगा में क्यों जा रहा है? ये हालत मुल्क का कर दिया, जो बुद्धिजीवी अपने आप को बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा था, अब तो कम से कम दलित पिछड़ों में थोड़ा सा अकल आ जाए हम लोग के बोलने से, कि भैया बच्चा का स्कूल स्कूल है कि नहीं पहले ये देख लो, खाने वाने का है कि नहीं देख लो, नहीं तो जाकर मजदूरी करना पड़ेगा। तो वो तो अब ब्राह्मण को भी दंगाई बना रहा है लोग, सोच लीजिए मुल्क किस दिशा में जा रहा है। इसलिए संविधान की रक्षा भारत का जो नागरिक है, जो रिपब्लिक में विश्वास करता है, सबको करनी चाहिए, और दलित को विशेष रूप से करनी चाहिए। एएसआई की टीम सर एक बार जाती है, जांच करके आ जाती है, दोबारा जाने की क्या जरूरत पड़ी? और गई तो गई, अगर जांच करने भाषा में समझाना पड़ेगा। सैया भाई कोतवाल तो डर का है, सैया कोतवाले जब है तो काहे का डर है? जब मुख्यमंत्री हमारा, पुलिस हमारा, प्रशासन हमारा, कोर्ट हमारा, दुनिया हमारा, मीडिया हमारा, तो जो मर्जी करो, कौन पूछने वाला है? एएसआई की टीम के साथ एक हिंदू संगठन क्या कर रहा था? नारेबाजी हो रही थी, जानबूझ के करवाया जा रहा है क्या? तो फिर तो एएसआई के ऑफिसर से पूछना चाहिए ना कि तुम्हारे साथ ये लोग कैसे गया, कैसे गया, पूछना चाहिए ना। जब कहें कि सैया भाई कोतवाल, तो सब जब तुम्हारा ही है, अब तो ये देश के लोगों को, नागरिकों को और पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना होगा। देखो मुसलमान इस देश में कभी मुसलमान को अपना नेता नहीं माना, वो वैसी साहब अभी भी हल्ला कर रहे हैं लेकिन उनको नेता नहीं मान रहा है। मुसलमान को, मुसलमानों ने हिंदुओं को अपना नेता माना, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, लालू प्रसाद यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, तेजस्वी हो, ये इनकी जिम्मेदारी है कि मुसलमानों की रक्षा करे। अनिता अंबेडकर का लाइन कोट कर रहा हूँ, वॉल्यूम 40 पेज नंबर 409, कि अल्पसंख्यक विस्फोटक शक्ति होते हैं। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का फर्क नहीं है, एक सार हो जाए, ये निर्भर करता है कि बहुसंख्यक कैसा व्यवहार करता है। अगर बहुसंख्यक बढ़िया व्यवहार करेगा तो अल्पसंख्यकवाद और बहुसंख्यकवाद मिट जाएगा, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? आरएसएस वाले कह रहे हैं कि ये विपक्षियों ने कराया है, उपचुनाव की हताशा है, ये जानबूझकर सौहार्द खराब किया जा रहा है। उनको तो कहना है ना, एक कंडेम किए हैं, जो सांप्रदायिक हिंसा हो रहा है उस पर आरएसएस का 100 मुंह है, इधर से ही बोलेगा, इधर से ही बोलेगा, किसी का कोई कंडेम नहीं। अरे मोहन भागवत तो खुद कह रहे हैं कि क्या जरूरत है मस्जिदों को खोदने की, कोई जरूरत नहीं मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने की, शिवलिंग ढूंढने की। उसकी भर्त्सना किए हैं, जो बात बोले ना उसका दूसरा संगठन दूसरा काम करता है, विश्व हिंदू परिषद दूसरा काम करेगा, हिंदू महासभा दूसरा काम करेगा, गांधी जी को गोली मरवाएगा इसे पुतला में, उस पर कभी कभी आया स्टेटमेंट? इनकी लीला समझिए, इसलिए आरएसएस को समझना पढ़ना बेहद जरूरी है। सब गुप चुप काम करता है, अभी सरकार बदल जाएगी ना ये सब बिल में भाग जाएगा। मुसलमान क्या करे? मुसलमान को क्या करना है? हिंदुओं को करना है जो करना है, उसकी रक्षा भी हिंदुओं को ही करनी है। मारा तो मुसलमान जा रहा है ना, जा रहा है ना, तो बाकी जो वोट ले रहे हैं मुसलमानों को वो क्या कर रहे हैं, वो सवाल उनसे ना पूछिए भाई। इसके लिए उत्तर प्रदेश बंद क्यों नहीं आह्वान हुआ? सड़क पे लोग क्यों नहीं आए? खाली वोट चाहिए? ट्विटर पे तो बोला है ना, ट्विटर पे बोलने से क्या होता है? कौन लोग आएगा? अब बहुत आप बुलवाली है, बताइए जो आ रहा है वो मारा जा रहा है, गोली खा गई ना। नहीं नहीं, सवाल है कितने गोली चलाओगे? अंग्रेज भी जनरल डायर भी गोली चला रहा था, लोग डरे डरे ना। पत्थर नहीं रख सकते आप अपनी छत पे, कार्रवाई हो जाएगी आपके खिलाफ अगर आप संभल में रहते हैं। अच्छा, ये बुलडोजर और गोली जो है खाली मुसलमानों को पहचानता है? ईंट पत्थर मुसलमानों का दिखता है? कहने पत्थरबाजी उन्हीं लोगों ने की थी, वो तो सब वीडियो आ जाएगा धीरे धीरे, किसने की थी वो सब आ जाएगा धीरे धीरे। जान बुझ के वहाँ पे शिमला में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है, मंदिर पे कोई मुसलमान गया है करने की, इसके नीचे देखो मस्जिद है। ये तो जान बुझ के ये शह देता है सरकार, अब बीजेपी आ रही शह देती है हल्ला करो। और रियल मुद्दा जो है अभी अडानी है, अडानी से ध्यान हटा ले, अडानी पे तो बात नहीं की है, इसी पे कर रहे हो। अडानी रियल मुद्दा है, देश का माल लूट लिया पूरा, वो तो सब आ रहा है ना रिपोर्ट सामने। रोजगार पे बात नहीं होगी, शिक्षा पे बात नहीं होगी, अडानी पे बात नहीं होगी, आमदनी पे बात नहीं होगी, खाली हिंदू मुसलमान करते रहो, इससे बचो।
बचो इससे। मैं सब लोगों को कह रहा हूँ जितने लोग सुनेंगे, है ना, कि आपको कोई उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं। अपना घर जाइए, अपना रोजगार देखिए, बच्चों की शिक्षा देखिए, अदरवाइज आप जो है ना कटेंगे आप ही, बटे हुए आप ही हैं। कोई नेता का बच्चा नहीं कटने जा रहा, सब अमेरिका में। सर, क्या बौद्ध विहार की बात की जाती है क्या? इस जो अभी लड़ाई चल रही है मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना मंदिर में, उसमें बौद्धों को आना चाहिए बीच में कि हाँ वो लोग अभी मठ में खाना उना खा के रेस्ट ले रहा है। अच्छा, थोड़ा रेस्ट लेने दो अभी उन लोग को। दलित नेता सब भी रेस्ट ले रहा है आजकल, ट्विटर खेलता है। अच्छा, है ना, उन लोगों को पूरा जो है ना बोध गया को खाली करवाना चाहिए, सड़क पे उतरना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, लेकिन वो लोग अभी रेस्ट ले रहा है, खाना उना खा के म्यूजिक वगैरह सुन रहा है। शुक्रिया।